Hello students, welcome to AK tutorial in which we are going to deal with different grammar topic. Basic level of grammar we will take first and then we will switch on to competitive level. The first topic I have taken in my class is the sentence. So whenever we are going to start a language, we first of all learn about its alphabets. And when we use these alphabets, then the words are formed. A group of alphabets which make complete sense is known as words. And a group of words which make complete sense, that is known as sentence. बच्चों सबसे पहले जब भी हम किसी लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू करते हैं तो हम उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं. लाइक इन केस ऑफ इंग्लिश वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ए बी सी डी. और जब हम इनको एक कंप्लीट सेंस देने की कोशिश करते हैं तो हम इनको क्रमशः इस तरह से लगाते हैं ताकि वो एक ग्रुप बन सके, ऐसा ग्रुप जो वर्ड्स बना सके जिसकी कंप्लीट सेंस हो. उसी तरह के से जब इन वर्ड्स को हम एक सिस्टमैटिक वे के अंदर, एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर लगाते हैं तो ये जो है एक सेंटेंस बनता है जो कि आज का हमारा टॉपिक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंटेंस. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो एक सेंटेंस की है दैट इट शुड हैव कंप्लीट सेंस. एक कंप्लीट सेंस देने वाला जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो, प्रॉपर ऑब्जेक्ट हो, एक तो उसी को ही हम क्या है कंप्लीट सेंटेंस मानते हैं. सेकंड इज इट शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. पंक्चुएशन के अंदर अगर हम करेंगे तो हम करेंगे कि इसके अंदर क्या है कंप्लीट सेंस होनी चाहिए और उसको स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं. द वर्ड शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर. इनके जो वर्ड्स हैं उनका जो है प्रॉपर ऑर्डर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसे हमारे ग्रामर के अंदर हम सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चंस. नेक्स्ट है इसके अंदर प्रॉपर ऑर्डर के बाद बेटा आ जाते हैं कि एंडिंग क्या है. एंडिंग या तो फुल स्टॉप के द्वारा या फिर इंटरोगेटिव साइंस के द्वारा या फिर एक्सक्लामेटरी साइंस से हम इनको एंड करते हैं. तो हमें एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट विथ. अब वर्ड्स के अंदर ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है फेज का. फ्रेज मीन्स क्या होता है? फ्रेज भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इट डज नॉट मीन्स अ कंप्लीट सेंस, डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. लाइक एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो लास्ट इवनिंग, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसके अंदर क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट इज मेकिंग सेंस, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ फेज. इसी तरह से हम और एग्जांपल ले सकते हैं. एट द बस स्टॉप, हु इज एट द बस स्टॉप, दैट इज मिसिंग फ्रॉम हेयर. अ फनी स्टोरी, ऑफ नो यूज. सो दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट दीज आर नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस, देयरफॉर दे आर नोन एज फेजेस. यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सेंटेंस. इट इज नॉट स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर, इट इज नॉट एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, सो इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, रैदर इट इज अ फेज. टू कंप्लीट दीज फेज वी हैव टू एड सम ऑफ द वर्ड्स. लाइक माई मदर टोल्ड मी अ फनी स्टोरी लास्ट इवनिंग. माई मदर टोल्ड मी, वेन वी विल एड सम सेंस, वी विल एड सम सेंस, देन इट विल मेक कंप्लीट सेंस. लाइक माई मदर टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड me a funny
story. Last evening, so now it is making a complete sense, so we can say it is a complete sentence. So next, whenever we are going to start our sentence, it is carrying two parts. So a sentence is made up of two parts. Sentence having two parts. First is the subject. And the second one is the predicate. थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. सब्जेक्ट है बेटे कर्ता, जिसके बारे में भी सेंटेंस बात कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता. एंड प्रेडिकेट इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, राम इज गोइंग टू द मार्केट. राम इज द सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट. Okay, so we can say that subject is a group of words or the group of words so we can say the part of sentence which names what the sentence is about, that is subject. And predicate, the part which says something, which says something that is called about the subject. That is called the predicate. So students, as we have completed our topic, the sentence only, the types of sentence I will discuss in my next video. आज के वीडियो का जितना हमने करवाया हमने रिवाइज किया और उसके लिए अब ये एक्सरसाइज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको सॉल्व करके देखो. अगर आपसे सॉल्व होती है तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ये सॉल्व भी करवाऊंगी और इसी के साथ के आगे जो टॉपिक है हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. और आगे क्लासेस लेने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आगे से आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकें. थैंक यू.